आर यू सिंगल, जो वर्स्ट पल था वो एक्चुअली एक मोमेंट नहीं, पूरा एक ईयर था सोच, क्योंकि दो तीन लोग ऐसे थे मेरी लाइफ में. एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब एक लड़की थी मुझसे झूठ बोल रही थी कि लाइक मंदिर मेरे लिए उस टाइम पे होते थे एक घूमने वाली जगह. ठीक है, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्वेश्चन है. बर्थडे पर मैकबुक गिफ्ट किसने की थी. हाउ यू मैनेज यूर एक्सपेंस. सेकेंडली आई जस्ट लव द वे यू कैरी यूर सेल्फ मैनिफेस्टिंग यूर सक्सेस. सो शादी इज अ बिग थिंग फॉर मी. तो मैकबुक गिफ्टेड है या आपने लिया. सो क्वेश्चन है आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है. Hi everyone, I hope you all are doing great. I'm also good. Welcome and welcome back to the channel and in another video. I am Sudha and आज का video है about your questions. So be in this video and ये video मैं अभी बना रही हूँ दूसरी बार, क्योंकि जो मैंने video बनाया था वो मैं अभी phone का storage खाली कर रही थी क्योंकि मुझे एक video edit करनी थी, तो उस वजह से वो delete हो गया मेरे से. So दोबारा से start करते हैं and questions अभी भी हैं पड़े हुए मेरे पास कुछ. So मैं उनका answer देती हूँ. So हाँ देखिए, सो स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच आपने जिसने भी क्वेश्चंस पूछे एंड हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू सिंगल. सो गाइस पहला क्वेश्चन, वाओ. सो गाइस इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग अबाउट माय रिलेशनशिप. सो अभी ऑफिशियली तो मैं सिंगल हूँ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हो मैम आप. मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी आप हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट पल, वर्स्ट पल और सबसे ज़्यादा फनी पल शेयर ज़रूर करना. सो गाइज मेरी लाइफ का जो वर्स्ट पल था वो एक्चुअली एक मोमेंट नहीं, पूरा एक ईयर था. सो 2023 वॉज माई वर्स्ट ईयर एवर, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड जो फ्रेंडशिप में स्नेक्स थे वो उन्होंने अपनी शेड निकाल के दिखा दी थी कि हाँ हम हैं साहब. और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ था. सो 2023 वॉज माई वर्स्ट ईयर, क्योंकि दो तीन लोग ऐसे थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी सारी फ्रेंडशिप सब कुछ रोन कर दिया था. बट खैर वो लोग ट्रू फ्रेंड्स होते तो वो ऐसे मतलब नहीं करते. सो हाँ 2023 वॉज माई वर्स्ट ईयर एंड वर्स्ट पल तो खैर होते रहते हैं. जब भी मैं रोती हूँ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का ये वर्स्ट पल ही है. सो और सबसे ज़्यादा फनी, सो फनी क्या था यार. गाइस फनी पल मैं बताती हूँ. जब मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि सामने वाला इंसान मुझसे झूठ बोल रहा होता है, मुझे सब कुछ पता होता है, ऑलरेडी पता होता है मतलब कि हाँ ये वो. सो दो तीन चीज़ें हुई थी ऐसी, अब मैं वो चीज़ें कैसे शेयर करूँ. एक बार मतलब एक एग्जांपल दे देती हूँ. एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब एक लड़की थी मुझसे झूठ बोल रही थी कि लाइक ये ऐसा हुआ था वो वैसा हुआ था, और मुझे मतलब सब चीज़ पता थी कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है. सो मुझे मतलब कहीं हंसी आ रही थी उस टाइम पे वो चीज़ सोच के. मतलब शी वॉज़ टॉकिंग अबाउट 2-3 गर्ल्स और 2-3 गाइज ऐसा कुछ था, और मुझे सब कुछ सच्चाई पता थी. मतलब फिर भी मुझे मतलब वो ही सबसे ज़्यादा फनी अभी तक याद है ऐसा कुछ. और तो खैर होते रहते हैं भाई, कभी मेरा पैर फिसलता है, मुझे कहीं हंसी आ जाती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. मतलब मुझे मतलब सबसे ज़्यादा फनी चीज़ तब लगती है ना जब मेरे से कोई सामने वाला झूठ बोल रहा था, मुझे ऑलरेडी सच पता होता है. तो हाँ अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मोमेंट था. बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का था जब मैंने क्या किया था. हाँ जब मैं मतलब थोड़ा बहुत वो हो गई थी, भगवान की तरफ मेरी आस्था बढ़ चुकी थी जब, क्योंकि पहले मैं थी नास्तिक लड़की. ठीक है, मेरे को कभी मतलब लोगों को भी लगता होगा कि इसको भगवान पे इतना भरोसा है, इसको मतलब कभी भगवान पे भरोसा ही नहीं हुआ होगा. मैं ऐसा था. तो हम लोग एक बार, बहुत पहले की बात है, हम लोग हाटकाली का मंदिर गए थे बहुत पहले घूमने के उससे गए थे पर्पज से. मतलब मैं पहले मंदिर वगैरह घूमने के पर्पज से जाती थी, कभी ऐसे मतलब दिल में श्रद्धा लेके या भगवान को मान के ऐसे नहीं जाती थी. इतने मंदिर मेरे लिए उस टाइम पे होते थे एक घूमने वाली जगह. ठीक है, सो उसके बाद मुझे पता नहीं हाटकाली का जाके ऐसा मतलब जेन्युइन सा फील हुआ मुझे. मतलब जो वहाँ की घंटियाँ हैं, मंदिर है, फिर जब माता के दर्शन हुए ना माता रानी के, दैट वाज द बेस्ट डे. तो वहाँ से मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई, जो मैंने फील करा, सो वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था. क्योंकि वहाँ से मैं एक
आस्तिक लड़की हुई, वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भगवान होते हैं। और मतलब मेरे को माँ काली पर इतनी ज़्यादा श्रद्धा है ना गाइस, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं सबको पता है, जितने मेरे मतलब मैं भाई मतलब मैं हर एक चीज़ को कर सकती हूँ, बट उनको मैं कभी मतलब ये नहीं सोच सकती कि हाँ भाई माँ कालिका की झूठी कसम, माँ कालिका को मतलब साक्षी मान के ये वो सो वट एवर। तो मतलब जब से मैं मतलब वहाँ पे मेरे को मतलब हुआ तब से दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। सो हाँ, सो गाइस देख सकते हो आप लोग ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था एंड मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हूँ क्योंकि मुझे भगवान पे बिलीव हुआ। सो हाँ, सो अगला क्वेश्चन है, दीदी मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। सो हाय, अभी मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है क्योंकि मैंने मैसेज नहीं देखा होगा, अगर देखा होता तो ऐसे दीदी वाला तो मैं कर देती रिप्लाई। सो अगला क्वेश्चन है, जय क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, जय श्री राधे राधे। सो राधे राधे गाइस। सो अगला क्वेश्चन है, दोस्त बन सकते हो क्या आप? सो सॉरी फॉर इट, क्योंकि मैं लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ। सो हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री थिंग्स दैट मेक यू स्माइल? सो गाइस, तीन चीज़ें ऐसी, अब मैं कैसे बताऊँ, एक एक पहली चीज़ है कि जब मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं मेरी वजह से मतलब तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब ऐसे ऐसे वाला होता है। और दूसरी चीज़ है जब मैं मतलब कुछ अपना, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा मैसी रूम हो और मैं उसको साफ़ सुथरा करके रख लूँ, सब कुछ काम वगैरह मेरा मतलब जितना मेरा डेली का काम होता है वो चीज़ें हो जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। सो उससे भी मुझे एक रिलीफ वाली स्माइल आती है। और तीसरी चीज़ है, अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मतलब किस चीज़ से मुझे स्माइल होती है, तीसरी चीज़ की जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ना मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, डू यू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब? सो अभी मेरी कोई अभी अर्निंग नहीं हुई है, अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। सो आई विश कि जल्दी हो जाए एंड टच वुड ऑल्सो। सो गाइस जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार करो तो जल्दी जल्दी क्या पता आ जाए, फिर मैं बता दूंगी। सो इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो? सो है, मैं सच में अच्छी हूँ, सच में खूबसूरत हूँ भाई, क्यों जुबान लड़ लग रही है पता नहीं, एक तो रात हो रही है। सो पता नहीं क्यों वैसे तो इतने पिंपल्स है फेस पे, बट फेस कट होता है ना एक जो उस वजह से। एंड दूसरी चीज़ है कि मे बी आप अच्छे हो इस वजह से आपको मैं अच्छी लगती हूँ। सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वर्क विथ मी एंड माई न्यू सॉन्ग उत्तराखंड एंड राजस्थान विथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़? सो गाइज ये चीज़ें मैं छोड़ चुकी हूँ, सो सॉरी फॉर इट, क्योंकि पता नहीं मेरा मन नहीं होता। अगर फिर भी मतलब कुछ स्क्रिप्ट थी वगैरह मुझे अच्छी लगेगी तो उसके लिए आप मुझे डीएम करो और बताओ कि मतलब क्या क्या स्क्रिप्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, सो मे बी मैं करूँ, लेकिन वैसे तो मैंने छोड़ दिया है। सो हाँ, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? सो मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी थी जितनी भी मैं मतलब अपनी दादी के साथ रही थी जितना भी टाइम, वो मेरे को सबसे ज़्यादा याद आता है और सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम भी था मेरे लिए वो। सो हाँ, मतलब मुझे बहुत 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 मतलब मैं मेरे चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा शायद रही होंगी तो किसी के साथ, वो मेरी दादी होगी। सो हाँ, बस वही मेरी सबसे ज़्यादा बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी थी। और हम लोग जब घर घर खेलते थे ना भाई, वो तो मतलब इतना पसंद था ना मुझे, जैसे आप लोगों ने भी बनाया होगा ना वो जो बेड बेड के गद्दे होते थे उससे घर, उसके ऊपर कंबल वम्बल, दिन में मस्त सो, मतलब सबका होगा ऐसा, मुझे तो लगता है ऐसा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर है तो। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक यू लाफ द मोस्ट? ये क्वेश्चन दोबारा मिल चुका है मुझे, फनी लाफ। सो हाँ, जब मुझे सच पता होता है और कोई सामने से मुझसे कंटिन्यूअसली झूठ बोलता है झूठ बोलता है, उसके बाद जब वो मेरा फ़ोन काट देते हैं और उस जगह से चल जाता है तो उसके बाद मुझे इतनी हंसी आती ना, दैट इज़ द, और मुझे मतलब ऐसे लगता है भाई कुछ तो शर्म कर ले, कितने इतनी शिद्दत से झूठ बोल देते हैं ना भाई साहब। सो गाइज अगला क्वेश्चन है, बर्थडे पर मैकबुक गिफ्ट किसने की थी? सो इसका आंसर मैं बहुत ही जल्दी दूंगी, अभी इट्स अ सीक्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर कब आओगे? सो गाइज मैं घर आने वाली हूँ, घर जाऊँगी मैं दिवाली के टाइम पे मे बी, और उससे पहले तो शायद मुश्किल ही है, कोई प्लान नहीं है उससे पहले मेरा। सो हाँ, दिवाली के टाइम पे ही मैं घर जाऊँगी शायद। अगला क्वेश्चन है, इतना गुस्सा क्यों रहती हो तुम सुधा? भाई मैं गुस्सा नहीं रहती हूँ, बस मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता बस। अगला क्वेश्चन है, आप इतने प्यारे कैसे हो? क्योंकि आप प्यारे हो इसीलिए मैं भी प्यारी हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता का राज क्या है? सुंदरता का कुछ राज नहीं है गाइज, जस्ट जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, सो भाई अकेले रहकर कौन कौन से डर दूर हुए?
बहुत सारे डर दूर हुए और बहुत सारे डर अभी भी सताते हैं। सबसे बड़ा डर ये था कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और मतलब ऐसा था कि यार मैं एडजस्ट हो पाऊँगी दूसरी जगह पे, मैं अपना काम कर पाऊँगी, लेकिन वो सब चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं सोचती थी कि यार 5-10 हज़ार रुपये महीने में मेरा क्या ही होगा, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। जितने मतलब घर वाले मुझे पैसे वगैरह भेजते होते मैं मेरा सब कुछ हो जाता है महीने का। सो हाँ, मतलब ये था कि एक खर्चे वाला डर था मुझे सबसे बड़ा, और दूसरा डर था कि मैं अपना इतना सारा काम कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे को मेरी एक चीज़ है, मुझे मतलब बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी भी मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं अपने बर्तन तो जैसे तैसे मर मुर के धो लेती हूँ, बट मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें सब काम कर सकती हूँ लेकिन दूसरों के वहाँ बर्तन नहीं धो सकती, कभी भी नहीं। और दूसरी चीज़ है, मुझे मैंने मतलब लगभग मतलब जब से हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए होंगे, मुश्किल से कभी। मतलब घर पे पानी नहीं होगा तो जब किल्लत पड़ जाती वाला पानी था, पानी नहीं था उस टाइम पे, मैं एक दो बार नौला गई होंगी जब से हमने मशीन खरीदी है। सो यही था मेरे को कि भाई वहाँ जाके मैं कपड़े कैसे धोऊंगी, क्योंकि मेरे ना गाइस ये जो बाजू होते हैं इनमें बिल्कुल भी जान नहीं है। सो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था, और अभी भी मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाती हूँ, ब्रश को मतलब चला नहीं पाती हूँ। सो हाँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना और ये खर्चे वर्चे, ये सब चीज़ें मेरा बहुत ज़्यादा वो था, वो चीज़ें कम हो गई है। सो अगला क्वेश्चन है, एज यू रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन योर बर्थडे, बट विच वन वॉज योर मोस्ट फेवरेट? सो गाइज, सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं दे सकती अभी। अभी क्या मतलब, मैं गिफ्ट्स को कभी कंपेयर नहीं करती, मेरे लिए सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे। तो हाँ, मैं मतलब किसी के रेट देख के, किसी का ये देख के, वो देख के मतलब नहीं कर सकती। कोई मुझे फूल भी देगा मैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो समझती हूँ कि हाँ किसी ने मुझे दिया है तो बहुत दिल से दिया है। सो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सारे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे, सारे गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और सब मेरे फेवरेट हैं। क्योंकि देखो, किसी ने मेरा, आप लोग मतलब जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ मतलब मेरा दिन बनाने के लिए ही मुझे वो दिए होंगे। सो हाँ, सब मतलब मेरे गिफ्ट्स, सारे गिफ्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ लव टू यू दीदी। सो थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है, अगर कभी पिथौरागढ़ आया तो मिलोगे आप वहाँ? सो अगर मेरे साथ कोई मतलब मेरे पहचान के होंगे और मतलब मेरे कोई फैमिली मेम्बर होंगे, सो मे बी आई कैन मीट यू, बट वैसे अकेले मैं कभी किसी से नहीं मिल सकती, बिकॉज सम ट्रस्ट इशूज़ आई हैव, एंड मुझे मिलना भी नहीं है वैसे एक्चुअली किसी से। सो इसके लिए अभी तो बिग नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंस? सेकेंडली, आई जस्ट लव द वे यू कैरी योर सेल्फ मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस। सो मैं अपना जितना भी मेरा एक्सपेंस है, अभी तो मैं ऐसे कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मैं लेती नहीं हूँ यहाँ आके, मैंने मे बी एक दो बारी, दो तीन बार ही शॉपिंग करी होगी पिथौरागढ़ आके, और वो सब मेरा एक्सपेंस मेरे घर वाले झेल रहे हैं, हर एक चीज़, मेरा खाना पीना, रहना, रेंट, सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, इन्होंने बोला है कि आई जस्ट लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, सो थैंक यू सो मच फॉर इट एंड मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस। सो आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मैनिफेस्टिनेशन, आई होप कि जल्दी पूरी हो जाए। सो हाँ, अगला क्वेश्चन है, यूअर्स वीडियोज़ एंड यूअर्स यूट्यूब चैनल इज़ सो हिट, सो थैंक यू सो मच फॉर इट एंड इट मीन्स अलॉट टू मी, सो थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, मॉडल शूट करवाओगे? सो इसके लिए आप मुझे मैसेज करिए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बताना, उसके बाद जाके मैं आपको बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है, हे भगवान, ये प्रपोजल वगैरह पता नहीं क्यों इसमें डालते हैं लोग। हाँ, कर दो ना रिप्लाई, कर तो दिया रिप्लाई, अगर आपने कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा होता तो शायद मैं इसका अच्छा आंसर देती। अगला क्वेश्चन है, कहाँ हो आप? मैं हूँ पिथौरागढ़ में अभी। सो हाँ, अगला क्वेश्चन है, डांस दिखा दो मुझे भी, डांस दिखा दोगे मुझे भी? सो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, और अगर आपको मेरा डांस अच्छा लगा तो उसमें लाइक, कमेंट, शेयर सब कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुद इग्नोर करते हो और फिर बोलते हो पूछो? यार मैं रिप्लाई नहीं करती, इस वजह से तो मैं बोलती हूँ ना कि आस्क मी ए क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो मैसेज का? अगर मैं मैसेज का रिप्लाई करूँगी तो आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, इसीलिए नहीं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज, मेरी एज अभी 22 है। सो हाँ, इसी साल, इसी महीने से मुझे 22 लगा है, सितंबर से। अगला क्वेश्चन है, कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। पिछले महीने से, ये तो अक्टूबर चल रहा है, भगवान।
अगला क्वेश्चन है, आप शादी कब करोगे? सो गाइज, अभी मेरा शादी वगैरह का कोई प्लान नहीं है. सो हाँ, बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैला रखे कि सुधा शादी करी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे भी शादी नहीं करनी है. जब मेरा मन होगा, जब मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी शादी के लिए, क्योंकि शादी इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, तो अभी तो मैं नहीं सोच रही हूँ शादी वगैरह का. सो जब भी करूँगी पता तो चल ही जाएगा भाई. तो अभी मैं शादी वादी कुछ नहीं कर रही हूँ. अगला क्वेश्चन है, मैकबुक गिफ्टेड है या आपने लिया? सो गाइज, मैकबुक गिफ्टेड है, मैंने नहीं लिया. अगर गिफ्टेड मतलब मैंने खुद से भी लिया होता, खुद को गिफ्ट किया होता, तो मैं डालती ना उसमें कि सेल्फ गिफ्ट. सो नहीं. शेयर योर वर्स्ट डे और बेस्ट डे. सो मेरा वर्स्ट डे तो इसी बीच, मतलब इस साल का 2024 का मैं शेयर करूँगी. सो मेरा 2024 का तो वर्स्ट डे मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही था. मैं बहुत रोई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा रोई थी. और बेस्ट डे था उसके नेक्स्ट डे, मेरा बर्थडे था क्योंकि उस दिन. सो हाँ. अगला क्वेश्चन है, आपकी खूबसूरती का राज, यही सोच रहे होगे ना, क्यों पूछेंगे, पर नहीं, कहाँ से हो? सो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप ऐसा बोलोगे मुझसे, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ. और मैं हूँ वैसे बेनाक से, और करंटली मैं अभी पिथौरागढ़ में रहती हूँ. अगला क्वेश्चन है, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? सो गाइज, काश मैं ऐसा बोलती कि मेरी यूट्यूब इनकम इतनी लाखों रुपये है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी मेरी वो चल रही है, अर्निंग चल रही है, अभी हुई नहीं है फर्स्ट पेमेंट. सो कुछ भी नहीं है. अगला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा बताओ जो आपको खुद के पैसों से घर वालों के लिए करना है. सो मुझे मतलब अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को सोना इतना पसंद है. सो मैंने सोचा है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो दूंगी. और अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर होती तो मैं अपनी मम्मी को एक साइड रखती और दूसरे साइड एक वो रखती, तराजू रखती, और उसमें उसको तोल देती सोने में. बट ऐसा मैं नहीं कर सकती. लेकिन मतलब मैंने सोचा है मतलब कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ ऐसा दूंगी गोल्ड का. और सेकेंड चीज़ है कि अपने पापा के लिए मुझे मतलब एक दो चीज़ें हैं, लाइक क्या है, मेरे पापा को कहीं, मेरे पापा इतने शौकीन आदमी हैं ना, उनको गाड़ियों की शौक है, उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ों की शौक है. तो मे बी आने वाले टाइम पे मैं कभी सक्सेसफुल हो जाऊँ तो खुद के पैसों से अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करूँ. सो हाँ, यही है मतलब कि हाँ, कुछ लूँ या कुछ दूँ उनको, और कुछ ऐसा करूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ. तो फिर आपको आने वाले टाइम पर पता चल ही जाएगा. अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट प्रोग्राम किधर है? अब पता नहीं गाइस किधर है. और अगर ऐसे कुछ अच्छा सा, अच्छी सी जगह क्या कुछ अच्छा सा मुझे लगे, मेरा मन होगा कहीं प्रोग्राम करने का, तो ही मैं करूँगी. अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है. और अभी तो फ़िलहाल मैं अपने करियर पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा मैंने अभी साइड ही कर रखा है कुछ टाइम से. सो हाँ, अगला क्वेश्चन है, 1+1. ओह माय गॉड गाइस, सच अ जीनियस क्वेश्चन. मतलब मुझे तो पता ही नहीं था 1+1 कितना होता है. सो इसका आंसर मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि मेरी BSc में PCM थी ना, तो इसी वजह से मैं नहीं बता सकती. सो हाँ, मेरे को नहीं आता. सो सॉरी फॉर इट. पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं गाइज ये लोग, मुझे समझ ही नहीं आता. सो आज के क्वेश्चन से एक बार एंड होते हैं गाइज, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो कमेंट पे ज़रूर बताना, और आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा, और सबसे अच्छा क्वेश्चन एंड एक सबसे अच्छा आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जो भी रहेगा. तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर अभी भी नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस एंड न्यू वीडियोज. So bye bye, stay tuned for next video.